भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है, उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधा वंतौ भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। हम गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्ग कहाँ जाएंगे गुरुजी। उद्यतायुधई ही विसर्ग हो गया राधा। गुरुजी, गुरुजी कहते हैं अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधु, बधु प्रयोग हुआ है, बधु प्रयोग हुआ है, तो बधु का प्रयोग ये है कि वहाँ श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पद वाच्य बधु, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो अव गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहाँ बधु शब्द है वहाँ भी अर्थ राधा है, जहाँ बधु है जल भी होता, जहाँ राधा है, जहाँ बधु है वहाँ राधा है, ऐसे थोड़े होता है। जहाँ आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, हमारी क्या ताकत की हम बताएं? सब शब्द ही अर्था नाम अभिव्यक्ति विश्व सुनता है। महाराज श्री हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी सारा विश्व। त्रिपाठी जी, महाराज आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य आचार्य आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी, मैं तो गलत सुना रहे, इन्हें हटाओ, कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरु जी, का हम चलते हैं गिरिराज के, अगर गिरिराज जी का सुना दे। आचार्य श्री गुरु जी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले, जो राक्षस हैं भटान मर्दे जो है, गुरु जी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है, यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बातें स्वीकार है, लेकिन और जैसे वधु, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहाँ पर? राधा जी हैं, तो हैं वहाँ वधु है। तो श्री राधा जी कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है, भागवत जी में कहीं भी शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति ही कई ही वृत्ति भी भवती वृत्तय कत संख्या का अभिधावृत्या लक्षणावृत्या व्यंजनावृत्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति। महाराज जी, आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो गुरुजन हैं, गुरुजन हैं, आप ही तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अनर्थ क्यों सभा में करते हैं लोग।
पूरे विश्व को सुनाते हो। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है, अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है, तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, वो भाव सब भाव है, वो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन, सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। दो मिनट कीर्तन कर ले, एक मिनट रुको। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं, भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्यों गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्त्यर्था शब्दों प्यर्थांतराश्रय एकत्र व्यंजकत्वे तद अन्यस्य सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो, वहां संधि है, मैंने आयुधई ही आयुधों से, मैंने आयुधों से युक्त हो, मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए, शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो, मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूर्णिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को, आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनुरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं, इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए, मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूँ। जो गौड़ तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है, होगा साहित्य का विद्वान। हमारे इतने बड़े विनम्र अनिरुद्धाचार्य जी के सामने से माइक हटा लिया और अपनी पंडिताई झाड़ने लगा, शास्त्रार्थ करता है, मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, कभी विद्वानों की सभा हो और आ जाए मैदान में। राधा के बिना आत्मा दुराधिका तस्य तयैव रमणा दसो, आत्मा भगवान की राधा है और राधा के बिना कृष्ण आधा है, आधा ही नहीं कुछ भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। अनुरुद्धाचार्य जी का कथा का समय में है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इतना ही बहुत है। वाच्यार्थ एक लक्ष्यार्थ एक व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ के रूप में कौशिक की संहिता का श्लोक आपने पढ़ा ही होगा जी, कि राधा नाम मात्र मूर्छा सार मास की, तो इसलिए सुखदेव भगवान ने परोक्ष रूप से अनेक जगहों पर राधा का नाम लिया है, और राधा भगवती का निषेध कौन कर सकता है, जिनके लिए गर्ग संहिता अलग ही बनाई गई। कोई राधा चरित्र पढ़ना चाहे हमसे पढ़े ना, देवी भागवत में है, देवी भागवत भरी पड़ी है राधा चरित्र से, गर्ग संहिता पूरा राधा ही चरित्र है, समझे, उसमें के कुछ प्रकरण उठा उठा कर दो चार श्लोक लिख करके आप बोल करके पुराण में तो पूरा श्री राधा जी का ही, तब फिर तो कोई निषेध थोड़ा कर रहा है राधा जी का, ना हम कर रहे हैं,
लेकिन उस समय हम कहे यार यहाँ तो शत्रुओं का है, अगर राक्षस दौड़ रहे हैं और उनके कबंध कट कट के गिर पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति है मतलब जो रहे अब इसमें से भी निकला नहीं ऐसे ये गोदुग्ध घर का है गुनगुना है हम जब चाय पीते दो नहीं सी देते नहीं आते हम अनुष्ठान कोई करते तो बुला के आ जाते समझे सबको दोगे थोड़ा सा चल लेना भी ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा भेजी कोई नहीं आप केवल